नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं TSTV न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। रेलवेच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात भिवंडी रोड रेल्वे स्टेशनवर भिवंडी सिटीच्या वतीने निदर्शने। दिनांक 16 जुलै 2020 रोजी रेल्वेच्या खाजगीकरणाविरोधात भिवंडी रोड रेल्वे स्टेशनवर भिवंडी सिटीच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली। यावेळी मागण्याचे निवेदन रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी यांना देण्यात आले। या आंदोलनात कॉम्रेड सुनील चव्हाण, कॉम्रेड कमला गट्टू, कॉम्रेड बाबूराव करे, कॉम्रेड कय्यूम खान, कमला बुरा, राजेश्वरी नोमला, पद्मा गोली, फुलचंद सरोज, परवेज खान, रियाज अंसारी, नरेश बैरी, तसेच अजून 46 कार्यकर्ता, त्यामध्ये पावरलूम, विडी कामगार व रिक्षा चालकांचा सहभाग होता। जो हमारा लाल बावटा पावरलूम और विडी का जो भिवंडी में यूनियन चलता है, वो ऑल इंडिया का जो यूनियन है सीटू, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इस यूनियन से संलग्न है। और सीटू ने पूरे भारत में आज के दिन 16 और 17 ये दो दिन, ये जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार रेलवे का जो निजीकरण कर रही है उसके खिलाफ आज पूरे भारत में आंदोलन हो रहे। हमारी भी यूनियन सीटू से जुड़ी है, इसलिए हम भी उसी का एक धागा पकड़ के आज यहाँ पे भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन के पास आंदोलन करने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि ये जो रेलवे का निजीकरण है ये तुरंत पीछे लिया जाए, और जो 2 जुलाई 2020 को जो रेलवे डिपार्टमेंट में जो GR निकाला है कि रेलवे के जो क और ड जो पद है, ये पद उन्होंने 50% घटाने को और आगे क और ड का जो पद है वो निर्माण ही नहीं करना है, ऐसा GR निकाला है। उस GR का भी विरोध करने के लिए और वो GR वापस लेना चाहिए, इसके लिए हमने आज यहाँ पे आंदोलन रखा है। हमें मालूम है हमारी ताकत कम है, लेकिन हम या इस देश में जो भी इस देश के जनता के खिलाफ निर्णय होंगे उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। हमारी यही मंशा है कि यह जो सरकार अलग अलग जो दिल्ली लखनऊ रूट है वो रूट और उसको लग के 109 जो भारत सरकार के जो सरकार ने जो 9 रेलवे के रूट है उसको उसका प्राइवेटाइजेशन करने की ठानी है। अलग अलग देशी विदेशी कंपनियां है, कॉरपोरेट घराने हैं, उनके जेब में डालने का, ये रेलवे को भी जेब में डालने का ये प्रयास चल रहा है। तो कोयला खदाने हैं, LIC है, और जो सार्वजनिक उद्योग के जो कंपनियां हैं उन कंपनियां को प्राइवेट कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में देने का और उसका मुनाफा उनको देने का ये काम चल रहा है। हम सालों से देख रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आती है तो वो खाली मुनाफा कमाने के लिए आती है। ये सरकार को बोलते हैं कि हम लोग उससे रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन आपको जैसे मैंने अभी बताया उल्टा रेलवे में रोजगार कम किया जा रहा है, और ये बड़े बड़े घरानों को 30,000 करोड़ का मुनाफा इन्वेस्ट रेलवे में करने वाली है ये कॉर्पोरेट घराने के लोग। जो देशी विदेशी कंपनियां जो रेलवे को लेने वाली है वो 30,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्ट करने वाली है, लेकिन ये इन्वेस्ट कभी भी कोई कॉर्पोरेट घराना या कोई भी देशी विदेशी कंपनी है तो भारत सरकार की जो प्राइवेट कंपनियां होती है, सरकार की जो कंपनियां होती है उसका अगर वो लेती है तो वह खुद का पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं करती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ये जो देशी विदेशी कंपनियां हैं अपने ही देश की सार्वजनिक बैंकें हैं उनसे लोन लेती है और उन लोन को बाद में NPA दिखा के और इस देश के जनता को धोखा देती है। इसलिए हमारा लाल बावटे की तरफ से पूरे के पूरे देश में जो निजीकरण हो रहा है उस निजीकरण को विरोध है। आपने देखा होगा अपने भिवंडी में ही पहले MSEB का पावर चलता था, उस टाइम लोग जो गरीब था उसको भी वो भी अपने पावर ले सकता था, वो भी अब उस पावर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन आज आपने देख रहे होंगे जब से ये प्राइवेट कंपनी टोरेंट को दिया है तब से भिवंडी के आम जनता की गरीब जनता के हाल बद से बदतर हो गए। वो कभी भी कितना भी बिल भेजते हैं ऐसा ही आज होने वाला है। ये प्राइवेट कंपनियों को अगर ये रेल दी गई तो आपको मालूम होगा
जो प्राइवेट कंपनी दिल्ली से लखनऊ रेल चलती है प्राइवेट कंपनी की, उसका 2800 रुपया भाड़ा है, और शताब्दी जो अपनी ट्रेन है भारत सरकार की उसका 1400 रुपया भाड़ा है। कहा जाता है कि वो जो प्राइवेट कंपनी है, वो कंपनी की रेल है, वो जल्दी पहुंचेगी, लेकिन खाली 5 मिनट का फर्क है सरकारी रेलवे में और निजी रेलवे में। उसमें भी अपनी जो सरकारी रेलवे है वो 5 जगह पे स्टॉप लेती है, और ये निजी जो रेलवे है वो खाली 3 जगह पे स्टॉप लेती है, और तो भाड़ा दुगना देना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि सरासर ये जो देशी विदेशी कंपनियां हैं जो रेलवे को खरीदना चाहती है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये निजीकरण हो रहा है, और हमारा ये निजीकरण को विरोध है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं कि ये मोदी और शाह की ये जोड़ी है, ये देश को बेच के खाने वाली जोड़ी है, और उसने आज तक जो भी निर्णय ले रहे हैं वो देश के खिलाफ ही निर्णय जा रहे हैं। इसलिए हम इस मोदी और शाह की जोड़ी का है, ये केंद्र सरकार का है, ये केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। अरे लाल मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे का निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। रेलवे का निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी साहब की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाल मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीआईटीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे का निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। रेलवे का निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। रेलवे का निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो। लाल पांडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीटूशी संलग्न असल्यामुळे भिवंडीमध्ये आम्ही पावरलूम आणि विडी कामगार आणि असंघटित कामगारांमध्ये काम करतो। सीटू आणि देशातील अनेक कामगार ज्या संघटना आहेत त्या कामगार संघटनांनी 16 आणि 17 जुलै रोजी हे रेल्वेचं जे खाजगीकरण चालू आहे आणि रेल्वेमधल्या ज्या क आणि ड पदाच्या ज्या भरती आहे त्यामध्ये 50% कपात आणि नवीन भरती करू नये असे जे आदेश काढलेले आहेत रेल्वेने, त्याच्या विरोधात संपूर्ण देशभर रेल्वे स्टेशनवर आज हे सीटूतर्फे आणि कामगार संघटनांतर्फे आंदोलन होत आहे। आमची संघटना सीटूशी संलग्न असल्यामुळे आम्ही देखील आज भिवंडी रोड रेल्वे स्टेशनवर या रेल्वेच्या खाजगीकरणाविरोधात आणि या मोदी साहेबांच्या चुकीच्या निर्णयांविरोधात आणि कामगार कपातीविरोधात आम्ही आज इथे भिवंडी रोड रेल्वे स्टेशनला आंदोलन केलेलं आहे आणि या सरकारला इशारा दिलेला आहे तर जेव्हा जेव्हा तुम्ही जनतेच्या विरोधात निर्णय घ्याल, चुकीचा निर्णय घ्याल, त्यावेळेला लाल बावटा तुमच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही।